बनारस में मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे दलाल बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑटो से ट्रेन से उतरते हो, वहाँ पे ऑटो वाले एकदम भीड़ लगा लेते हैं, आइए ले चले, आइए ले चले, आइए ले चले। और एक ऑटो वाला हम लोग को पागल बना के ले गया एक जगह, उसने किराया भी बहुत ज़्यादा ले लिया और बोला कि हम आपको रूम दिलाते हैं। रूम भी नहीं दिलाया, रूम तो मिला ही नहीं, खाली रूम था ही नहीं। और बोला कि चलिए ले चलते हैं, रूम भी नहीं दिलाया और दूसरी जगह भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा ऐसे पागल बनाने वाले आप लोग को मिल जाएंगे और आप लोग को बोलेंगे हम आपको इतने में होटल दिला देंगे, उतने में होटल दिला देंगे, उसके बाद आपसे चार्ज लेंगे दिलवाने का, 300 रुपये आपसे लेंगे और होटल का चार्ज अलग रहेगा। तो ऐसे फंसना मत फ्रॉड के चक्कर में, अपने से होटल ढूंढ के देख सुन के हर एक चीज़ कंफर्म करके अच्छे से लेना, वरना यहाँ पर फंस जाओगे आप बहुत बुरी तरीके से। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं यहाँ पे, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं अभी। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग कपड़े वगैरह निकाल रहे हैं जाने के लिए, नहाएंगे वहीं पे और अभी देखते हैं क्या होता है माहौल। कुछ भी, अभी तो सुबह सुबह हम लोग ने चाय वाय पी ली है, जाएंगे नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ओके गाइस, हम लोग जा रहे हैं गंगा नहाने, गंगा जी नहाने, काशी विश्वनाथ में हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। मैंने बैग में अपना सारा सामान रख लिया भाई, कपड़ा लत्ता जो भी है सब व्यवस्था बना ली है अपनी। अब उधर जाके हम नहाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो भाई एक तो मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लगता है क्योंकि बनारसी साड़ी मिलती है, ये देखो इसके। तो अभी हम लोग ये टी शर्ट ले रहे हैं महाकाल वाला, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देखो भीड़ देखो आप पहले, ये देखो गाइस। भंडारा चालू है, तो जिसको भी आना है बढ़िया नहा के आओ, भंडारा खाओ फ्री में, बढ़िया भंडारा चल रहा है। उधर देखो सब लोग शॉपिंग पे लगे हुए हैं, सब शॉपिंग ही कर रहे हैं गाइस। कब कोड है इतना बड़ा, यहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। तो इधर फूड वूड सब मिलता है और ये होटल है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो अभी हम लोग भंडारा खा के बस जा रहे हैं नहाने। हाँ भाई खाएं तो खाएं। तो गाइस घाट के दर्शन करो आप लोग भी, भीड़ बहुत ज़्यादा है। घूमने नहीं, आ जाइए घाट घूमने वाले, आइए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी हम लोग नहाएंगे, देखेंगे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं खाली वाली होगा तो नहाएंगे। बाकी आप लोग देखो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, नाइट में यहाँ पे और अच्छा लगता है। हर हर महादेव।
करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने महाकाल वाली टी शर्ट पहनी है, टीका भी लगाया मस्त। कमेंट में बताना कैसी लग रही हूँ मैं। सामान वो रखेंगे ना जहाँ से फूल वगैरह लेंगे वो रख लेंगे। सो गाइस फाइनली दर्शन हो गए हैं अंदर। फ़ोन हम लोग को नहीं ले जाने दिया गया इसलिए हम लोग वीडियोस नहीं बना पाए अंदर। दर्शन हो चुके हैं और दर्शन करने में हम लोग को सिर्फ एक घंटा लग गया है क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, तो इसलिए हम लोग मतलब कि दर्शन करने में टाइम लग गया। और अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है तो इसलिए अंदर हम लोग वीडियोज़ भी नहीं बना पाए। तो बट कोई बात नहीं, दर्शन तो हो चुके हैं जिस चीज़ के लिए हम आए थे, तो अब दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं। फ़ोन वोन आपका यहीं पर रखवा लिया जाता है, लॉकर वगैरह होते हैं जो आप रख सकते हो वहाँ पर फ़ोन वगैरह हर एक चीज़। तो दर्शन हो गया, अभी हम चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं। चलो और दर्शन करके इतना अच्छा लगता है, मतलब दिल को सुकून मिलता है दर्शन करने के बाद। आप लोग एक बार ज़रूर आना काशी विश्वनाथ। तो मतलब दर्शन करके भी मतलब अच्छा ही लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। जय भोले बाबा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। दर्शन तो हो गए हैं लेकिन अब भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो अभी ढूंढ रहे पेट पूजा का जुगाड़, कहीं रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ पर बैठ के खाते हैं।